महाराष्ट्र के बदलापुर में मंगलवार को उस वक्त बवाल मच गया जब दो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ से गुस्साए लोगों ने सरकार की नींद उड़ा दी। दरअसल थाने के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ पहुंची। लोग यहां ट्रेन पकड़ने नहीं बल्कि ट्रेनें रोकने आए थे। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ट्रैक पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी शहर के एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस देरी कर रही है। पुलिस ने स्कूल के अटेंडेंट को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था। घटना सामने आने के बाद बदलापुर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए स्कूल और थाने का घेराव किया। जब सुनवाई नहीं हुई तो आक्रोशित लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। हंगामे की वजह से मुंबई लोकल की सेंट्रल लाइन पर सेवाएं प्रभावित हुई। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर को घटना पर बयान जारी करना पड़ा। बहुत ही ये बुरी घटना है। इसमें जो उनके क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है और जो असिस्टेंट है, सबको निलंबित किया गया है। इसके साथ ही जो देर हुई थी, मतलब 13 से 16 तक का ये इंसिडेंस है और 18 को इसका FIR उनके जो पालक है उन्होंने किया था, तो इसमें भी 12 घंटे का जो गैप हुआ था, वो 12 घंटे उसके बारे में वहाँ के जो PI है उनको भी ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन मैं अपने ऑनरेबल डिप्टी CM साहब के विनंती करूँगा कि इसको भी निलंबित किया जाए उस पुलिस ऑफ